हेलो, हेलो। ओए सुन, कहीं बाहर चलते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। चल, हाँ सही है, चलते हैं। चल अच्छा सुन, हाइट पार्क चलें या फिनोलिक्स मॉल चलें? हाइट पार्क चलते हैं यार, मॉल तो जाते ही रहते हैं, हाइट पार्क सही है। नहीं यार, उस रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता है, तो फिनोलिक्स मॉल सही रहेगा। फिनोलिक्स मॉल चलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ मॉल भी सही है। अच्छा यार, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। एक मिनट, क्या मैं सोच रही कौन से कलर की ड्रेस पहनूं, रेड पहनूं या ब्लू पहनूं, समझ नहीं आ रहा है। ब्लू पहन ले, रेड ज्यादा पार्टी टाइप हो जाएगा शायद। ओ नहीं यार, नहीं, ब्लू तो मैंने लास्ट टाइम भी पहना था, इस बार पक्का रेड पहनूंगी। इस बार रेड पहन लेती हूँ ना, रेड सही रहेगा। ठीक है, हाँ चल, ड्रेस तो फाइनल हो गई। पता है मैं आने का ऐसे सोच रही हूँ, मेरे पास स्कूटी पड़ी घर पे, मेरी एक्टिवा भी आज है थी, और या फिर मैं सोच रही हूँ ओला से आऊँ। एक्टिवा या ओला, थोड़ी कंफ्यूज हूँ। अपनी एक्टिवा में आ जा, ओला का झंझट क्या लेना है। नहीं यार, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा यार, इसलिए मैं सोच रही हूँ आज ओला से ही करती हूँ, ओला बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ अरे यार, अब बस एक चीज बताओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम खाने का सोचना भूल गए यार, मुझे तो अभी से भूख लगी है। हम मैकडी जाएंगे या आज पिज्जा हट जाएंगे, कहाँ खाएंगे आज खाना? तो सुन, ये बहुत ज्यादा मुश्किल पजल है। हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, मैकडी और पिज्जा हट। ये तो हम दोनों को पता है कि तुझे मैकडी नहीं जाना, हमें चाहिए पिज्जा हट सेलेक्ट गो। अब इसके लिए क्या करना है ये ध्यान दे। तो देख, कैलकुलेशन के हिसाब से सिंपल सिंपल ये होना चाहिए, तुझे पिज्जा हट जाना है तो तू मैकडी चूज कर, तो नेविगेशन रूल के हिसाब से मेरा पिज्जा हट सेलेक्ट हो जाएगा। पर ये ध्यान देना कि पिछले 3 वीक्स में 4 बार वो पिज्जा खा चुकी है, तो वो पहले पिज्जा हट की तरफ जाएगी मैकडी से, फिर दोबारा मैकडी पर आ जाएगी, क्योंकि उसको याद आएगा कि वो 3 से 4 बार खा चुकी है पिछले 3 वीक्स में। तो अब यहाँ पे एक रिस्की मूव है, पर कैलकुलेशन के हिसाब से ऑन पॉइंट बिल्कुल सेलेक्ट होता है। देखो, पिज्जा हट सेलेक्ट करने के लिए पिज्जा हट ही सिलेक्ट करना होगा। हम चलेंगे पिज्जा हट। यार पिज्जा, यार KFC चलता है, चल KFC चलते, KFC पास।